नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आने वाले अगले 10 दिनों के अंदर अगर आपको ये तीन में से कोई भी एक संकेत मिलता है तो समझ लीजिए यह तीन देवता आपके घर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के जीवनकाल में अब आपको कल्याणकारी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आप सभी के जीवनकाल में आने वाले उन तीन देवताओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप सभी के जीवन को बिल्कुल ही सफल करने वाले हैं, जो कि आपकी भक्ति का फल आप सभी को देने वाले हैं, जो कि आपके सच्चे कर्म का फल आप सभी को देने वाले हैं। उन्हीं तीन देवता के बारे में बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, और यदि जब भी दोस्तों किसी के जीवन काल में कोई अच्छा समय आता है तो भी ईश्वर संकेत देते हैं, और जब कोई ईश्वर ही अपने भक्त के जीवन काल में आते हैं तो उन्हें संकेत अवश्य देते हैं। तो दोस्तों, आने वाले 10 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही प्रबल समय है। यश में आप सभी के जीवन काल में अगर ये तीन में से कोई भी एक संकेत मिलते हैं, कौन कौन से संकेत आपको तीन में से मिलते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको एक भी संकेत दिख जाए तो दोस्तों आपको समझ लेना है कि ये तीन बड़े देवता आप सभी के घर आ चुके हैं। इन दिनों में आपको करोड़ों का संपत्ति हाथ लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में आपका घर परिवार खुशियों में झूमने वाला है। जी दोस्तों, आखिर वह कौन सी बड़ी बातें हैं, आखिर वह कौन सी देवता है जो कि दोस्तों आपके घर आने वाले हैं, आपको कौन से संकेत मिलने वाले हैं, और आपके ग्रहों की स्थिति कैसी होने वाली है, आपके जीवनकाल में आने वाले 10 दिनों के अंदर कौन कौन से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं आपके आने वाले 10 दिनों के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए भी। कि दोस्तों, अगर आप रास्ते पर पहला कदम सही चल गए तो दोस्तों आने वाला दूसरा कदम भी आपके लिए सही होगा, और दोस्तों अगर आप पहला ही कदम गलत चल दिए तो दोस्तों आने वाला जो भी समय होगा दोस्तों उनमें तो आपको कष्ट देखने को ही मिलेगा, क्योंकि आपने कदम गलत उठा लिए हैं। जी दोस्तों, इसलिए आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको जो भी संकेत मिलने वाले हैं, जो तीन बड़े देवता आप सभी के घर आने वाले हैं, आपके जीवन काल में आने वाले हैं दोस्तों, आखिर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं दोस्तों, आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और दोस्तों कौन कौन से कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, दोस्तों सारी बातें आज के इस वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बस आपका दायित्व और कर्तव्य इतना ही है कि वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों यश में आपके ग्रहों में आपके राशि में बहुत ही अच्छे शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं। जी दोस्तों, जिनके कारण आने वाले 10 दिनों तक आप सभी को अपने जीवन काल में महंगे और सबसे बड़ा संपत्ति आपका हाथ लगने वाला है। जी दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो दोस्तों आपका जीवन देखते ही देखते बदल जाएगा, और दोस्तों अगर आप नहीं चाहेंगे, आप वीडियो को इग्नोर कर देंगे तो दोस्तों आप जीवन भर पछताने वाले हैं। जी दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको जो भी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं दोस्तों, उन्हें बिल्कुल ही आप ध्यान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यश में आपके ग्रहों में दुर्लभ संयोग के निर्माण हो रहे हैं, दुर्लभ राज्यों का निर्माण हो रहे हैं। जी दोस्तों, यश में सूर्य जो है आपकी राशि से 5वें भाव में है, और चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव में है, यानी कि दोस्तों लाभ के बड़े बड़े ही मौके आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति बहुत ही प्रबल है। जी हाँ दोस्तों, यश में आपकी कुंडली में जो योग का निर्माण है दोस्तों, उनसे आप सभी को बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण लाभ आपको मिलने वाले हैं। योग कहें तो दोस्तों सबसे बड़ा संपत्ति आपका हाथ लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में आपके राशि में तीन बड़े देवताओं का माया चलने वाले हैं। दोस्तों, वह तीन बड़े देवता कौन कौन से हैं दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पहला है भगवान शनिदेव। क्योंकि दोस्तों यश में भगवान शनिदेव के सबसे प्रेम शुभ योग शशि योग का निर्माण होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी को पिछले समय के बहुत सारे शुभ कार्यों का फल मिलने वाले हैं, जिनका दोस्तों आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से यश में आपको हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी आप सभी को मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपके जीवनकाल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटना होने वाली है जिनसे दोस्तों आपके जीवनकाल की सारी मुसीबत सारी समस्याएं दूर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आपसे बता दें कि दूसरा जो देवी है दोस्तों, वो है धन की देवी माता लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, यश में आने वाले 10 दिनों के समय अंतराल में आप सभी के जीवनकाल में धन की देवी
माता लक्ष्मी का वास आपके घर पर होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों भगवान बनकर आप शिव के जुन काल में यह देवी देवता आने वाले हैं। जी दोस्तों आने वाले समय में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन से जुड़ी सबसे महंगी संपत्ति आपको हाथ लगने वाली है। अगर दोस्तों आप इस समय का दोस्तों जो भाग्य आपको मौका दे रहा है अगर आप इनका फायदा उठाएंगे तो दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि आप जीवन काल में उन ऊंचाइयों को छू लेंगे जिनका दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिनका आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी दोस्तों, और अगर आप किसी के बहकाव में आकर इस जीवन को इस समय को आप छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे या फिर इस वीडियो को ही आप अंत तक नहीं देखेंगे तो दोस्तों आप जीवन भर पछताने वाले हैं। इसका कोई दो राय नहीं है कि दोस्तों भगवान जब भी किसी व्यक्ति को मौका देता है तो दोस्तों उनके जीवनकाल के सारे कर्मों को देखकर ही उनको मौका देता है, और जब व्यक्ति उनके इतने सारे कर्मों के बाद उस मौके को गवा देता है तो दोस्तों उनके जीवनकाल में समस्याएं आना तो तय है। इसलिए दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि आने वाले समय में आप शिव के जीवनकाल में कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि यह देवी देवता आपसे रुष्ट ना हो, और कौन कौन सी आपके यश में विशेष उपाय करना चाहिए ताकि दोस्तों आपके आने वाला समय बहुत ही लाभकारी हो। दोस्तों इनके भी बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से बने रहिएगा। जी दोस्तों, फिर से हम आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को मिस कर देंगे तो दोस्तों आप जीवन ही भर पछताने वाले हैं। दोस्तों यश में आपको जो भी खुशखबरी मिलने वाली है माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और भगवान शनिदेव के ही आशीर्वाद से। जी दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद यश में आपके जीवनकाल में होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों भगवान भोलेनाथ का भी जो राजयोग है वो दोस्तों शिव नाम का शिव योग आप शिव के जीवनकाल में प्रारंभ होने वाले हैं और आने वाले 10 दिनों तक इनका आपको शुभ फल मिलने वाले हैं। कि दोस्तों यश में आपकी जो राशि है उससे सातवें भाव में चंद्रमा है, इसलिए दोस्तों यश में भगवान भोलेनाथ का शिव नाम का शुभ योग आप शिव के जीवनकाल में बहुत ही बड़े बदलाव करने वाले हैं। शुक्र और गुरु की स्थिति यश में आपकी कुंडली में बहुत ही बेहतर स्थिति में है जिनसे दोस्तों आपको धन से जुड़ी सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाली है, काफ़ी धन लाभ आपको मिलने वाले हैं। इससे दोस्तों आपका भाग्य दोगुनी तेजी से बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप शिव को बता दें कि आने वाले 10 दिनों के अंदर आप शिवी को अपने भाग्य का इतना बड़ा लाभ मिलेगा, इतना बड़ा भाग्य की संपत्ति आपके हाथ लगने वाली है। वही दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों जो भी भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव के सच्चे प्रिय भक्त हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय भोलेनाथ और जय शनिदेव जरूर लिखिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव का असीम आशीर्वाद आप सभी के जीवनकाल में आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो वह दोस्तों बात करते हैं पूरे ही विस्तार से। दोस्तों हम आप सभी को बता दें यश में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, जो दोस्तों यश में सूर्य और चंद्रमा का परिवर्तन है दोस्तों बहुत ही अच्छा है और 12 राशियों में से सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी राशि पर पड़ने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आने वाले 10 दिनों का समय आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों यश में आपको बहुत ही खास कदम उठाना होगा। जी हाँ दोस्तों, यश में जो राशि का परिवर्तन है वे आपके लिए खुशखबरियों का संभावनाएं लेकर आ रही है। यश में आपके भाग्य का सबसे बड़ा धन आप सभी को मिलने वाला है। जी दोस्तों, समय आपके लिए बहुत ही दुर्लभ है, बस आपको इन्हें संभालना होगा, आए हुए मौके को अपने हाथ में पकड़ना होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप जो भी कार्य करने वाले हैं कार्य क्षेत्र में, जो भी पिछले समय से आपके कार्य रुके थे दोस्तों यश में संपन्न होने वाले हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में आपके भाग्य का सबसे बड़ा धन आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों चाहे तो दोस्तों ये धन आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी मिल सकता है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं जिनमें आपको सफलताएँ पिछले कई समय से नहीं मिल रही थी तो दोस्तों एक साथ आपके सारे कार्य बनने वाले हैं और जीवन का सबसे बड़ा सपना आपको यश में सच होते हुए देखने वाले हैं। जी दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय से आप जो भी धैर्य रख रहे हैं, जो भी आपने इंतजार किया है दोस्तों उन सभी का फल यश में आपको मिलने वाला है। बस आपको यश में अपने वाणी पर संयम बनाकर रखना होगा। दोस्तों मीठी आवाज़ में आपको बात करना होगा। यश में कोई भी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, नए जगह जा रहे हैं या फिर दोस्तों नए लोगों से मिल रहे हैं, अगर आपको कार्यों में सफलताएँ भी मिली हैं तो दोस्तों आपको अपने वाणी पर संयम बनाकर रखना होगा। अहंकार की भावना आपको अपने मन के अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है कि ये चीज़ आपको मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये भी अगर आप करेंगे तो दोस्तों जो भी सफलताएँ आपको मिली है उनमें दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी आपके लिए
सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपको कौन कौन सी बातों को लेकर बिल्कुल ही सावधान रहना है। जैसे कि दोस्तों, यश में आपको कार्यक्षेत्र में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है, यानी कि दोस्तों जो आपने कभी सपने भी नहीं सोचे थे दोस्तों, वो सभी सपने यश में आपके सच होने वाले हैं। नए कार्यों की आपको प्राप्ति होने वाली, जो लोग पिछले कई समय से रोजगार की तलाश में थे दोस्तों, उन्हें मन चाहा रोजगार मिल सकता है। जी दोस्तों, और यश में आपको विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आप कोई भी नया कार्य किए हैं तो दोस्तों आंख मूंद कर किसी के भी ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। जी दोस्तों, ये बात हम आपको बहुत सारे ही वीडियो में बताते हैं, और दोस्तों ये बात बताना भी बहुत ही आवश्यक है। जब भी आप किसी नए कारोबार की शुरुआत करते हैं, जब भी आपके जीवन काल में खुशखबरी आती है, जब भी आप प्रसन्न होते हैं, तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो दोस्तों आपको आने वाले समय में अपने कार्यों में, अपने जो भी आपका मकसद है, उनमें अड़चने को देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना अब आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपका जो रोजगार है, जो भी कारोबार है, व्यापार के क्षेत्र में आप काफ़ी तरक्की पाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी लोग विदेश के कारोबार से जुड़े हैं दोस्तों, उन्हें विदेश से भी धन लाभ होने की संभावना दिख रही है, यात्रा होने की भी संभावना दिख रही है। दोस्तों पिछले लंबे समय से जो भी लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं या फिर यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं दोस्तों, यश में आपको मौका मिल सकता है, आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिनसे दोस्तों आप सभी का मन खुश रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, विदेशी कारोबार से जो भी लोग जुड़े हैं उनको यश में लाभ होने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय और जो भी आपके यात्रा होगा बिल्कुल ही दोस्तों वह सुखदायक होगा। जिस कार्य के लिए आप दोस्तों आज यात्रा करने वाले हैं, वह कार्य आपका समय पर संपूर्ण होगा और यात्रा आपका बिल्कुल ही सुखदायक होगा, इस बात का ध्यान रखें। आपको वहाँ से विदेशी मुद्रा काफ़ी लाभ देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों यश में आपके अंदर कुछ जातक ऐसे होंगे कि दोस्तों अंदर ही अंदर काम करते हैं। आपका दोस्तों यश में जो भी अंदर वाले काम है, यानी कि दोस्तों जो भी आप गुप्त कार्य रखे हैं जिन्हें आपने किसी को अभी तक नहीं बताए हैं, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपका वह कार्य यश में सफल होने वाले हैं। जी दोस्तों, या फिर आप मन ही मन कोई नए कार्य करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों यश में आपका सोचने की शक्ति बढ़ने वाली है और आप कार्यों की ओर अग्रसर होंगे, किस्मत का आपको पूरा साथ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यश में आपको रोजगार में बिल्कुल ही वृद्धि होने वाली है। जिस कार्य में आप हाथ लगाएंगे दोस्तों यश में, वो कार्य आपका संपन्न होने वाले हैं। फोन कॉल से भी आपको कोई बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी मिल सकती है। जी दोस्तों, यश में हम आप सभी को बता दें कि जब भी आप अपने जीवन काल में कोई नए कार्य की डील करते हैं दोस्तों, शांति से आप इस बात को ध्यान में रखें कि दोस्तों कभी भी आपको ज़्यादा नहीं बोलना है दोस्तों, उस पर ज़्यादा नहीं कहना है। दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अपने जीवन काल में बहकावे में आकर किसी के कहने पर दोस्तों आप कोई भी कार्य की शुरुआत बिल्कुल ही मत कीजिएगा। जी दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक समय होगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको किसी क्षेत्र में पैसे मिले हैं और दोस्तों उस पैसे को आप किसी के कहने पर कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं पर खर्च कर देते हैं, तो दोस्तों वो जो कार्य होगा दोस्तों वे आपके लिए नुकसानदायक होगा और आने वाले समय में आप पछताने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे कार्य करने से अब आपको बचना होगा। जी दोस्तों, जितना आप मेहनत करते हैं दोस्तों, पिछले कई समय से उतना आपको फल नहीं मिल रहा था, लेकिन दोस्तों समय और ग्रहों की स्थिति बदल गई है, आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। और दोस्तों यश में आप इन बातों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों फिर से आपके जीवन काल में वही आर्थिक तंगी दौड़ने वाली है जो कि दोस्तों पिछले कई समय से चल रही है। जी दोस्तों, आप देख रहे थे कि पिछले कई समय आपके पास पैसे नहीं टिक रहे थे, पिछले कई समय से आपके जीवन काल में आर्थिक तंगियाँ ही चल रही थी। पैसे की समस्या इस प्रकार बढ़ गई थी कि दोस्तों घर के बहुत सारे जो वस्तु है, जो दोस्तों उपयोगी वस्तु है, उन्हें भी आप खरीद नहीं सकते थे। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जीवन आप पिछले समय से गुजार रहे हैं। और दोस्तों यश में आपके जीवन काल में अगर आपका समय बेहतर होता है तो दोस्तों किसी के बहकावे में आकर कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर दोस्तों आप थोड़े समय संयम रखेंगे और समय का इंतजार करेंगे तो दोस्तों आपका जो धन है दोस्तों वो सही जगह पर जाएगा और उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यश में घरों की स्थिति ऐसी दिख रही है कि कोई व्यक्ति आपको ठगी कर सकता है, इसलिए दोस्तों हम आपको ये बात बताए हैं कि किसी के भी साथी आप बहकावे में आकर कार्य मत कीजिएगा। जी दोस्तों यश में जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाने वाले हैं उस क्षेत्र में आपको तरक्की मिलने वाले हैं। घरों की स्थिति इतनी
अच्छी है कि दोस्तों आपको सफलताएँ मिलनी ही है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि आप घर में सो जाएं, अपने जीवनकाल में बिल्कुल ही कुछ ना करें। दोस्तों ऐसी भावनाएं आपको अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है। अगर ग्रहों की स्थिति आपके लिए शुभ है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, ईश्वर आपको कुछ दे रहा है, तो दोस्तों आप उन्हें लेने के लिए भी तैयार रहें और अपने कार्यों में जीतोड़ मेहनत कीजिए, जिससे कि दोस्तों आप पिछले कई समय से कर रहे हैं अपने कार्यों में अब उसी प्रकार मेहनत करने का आपको समय आ गया है। क्योंकि यश में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो ग्रहों का संयम है दोस्तों, उनमें आपको बहुत ही लाभ मिलने वाले हैं, आप सफलताओं को प्राप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएंगे समय हमारे लिए अच्छे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो अब हमें किस बात का टेंशन, किस बात की चिंता, और घर में हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं तो दोस्तों इनसे भी आपको कार्यों में नुकसान हो सकता है। हाथ आए आपके भाग्य में जो भी मौके हैं, जो भी फल हैं दोस्तों, उनसे भी आप वंचित रह सकते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों ईश्वर उन्हीं के साथ रहते हैं जो लोग मेहनत करते हैं। ईश्वर दोस्तों साक्षात नहीं कार्य करते, लेकिन दोस्तों ईश्वर आपको हमेशा उन कार्यों की ओर अग्रसर करता है जो कार्य आपके लिए सही है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों अगर आपको ईश्वर किसी कार्य की ओर अग्रसर कर रहा है तो दोस्तों उस कार्यों में आप ध्यान दीजिएगा और मन लगाकर मेहनत कीजिएगा। दोस्तों आपको कार्यों में सफलता मिलना तय है, दोस्तों कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता। अगर आपको ईश्वर के आशीर्वाद, ईश्वर के संकेत मिले, किसी भी प्रकार के कार्य हो दोस्तों, आपको उनमें सफलता मिलेगी। बस आपको मन लगाकर कार्य करना है। दोस्तों यश में आपका भाग्य जो है, इनकी वजह से ग्रहों की स्थिति में आपका सूर्य ग्रह बिल्कुल ही मजबूत होने वाले हैं और बुध भी और शुक्र भी आपके लिए अच्छी स्थिति में है, जिनके कारण दोस्तों यश में आपको विशेष धन लाभ मिलने वाले हैं। तीन क्षेत्रों में आपको यश में सबसे ज़्यादा धन मिलने वाले हैं। पहला क्षेत्र है दोस्तों आपके व्यापार का क्षेत्र, जी हाँ दोस्तों, और दूसरा क्षेत्र है दोस्तों लॉटरी का क्षेत्र। अगर दोस्तों आप लॉटरी खेलते हैं तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि समय आपके लिए आ चुका है। जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे दोस्तों, वह समय आपका आ चुका है। दोस्तों आपके लॉटरी यश में बहुत ही बड़ी लगने वाली है, इसलिए दोस्तों ग्रहों की स्थिति यह संकेत कर रही है कि आपको यश में सबसे बड़ी और महंगी संपत्ति हाथ लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको रोजगार कारोबार में भी अगर आपको ऐसा निवेश किसी, मान लीजिए दोस्तों किसी शेयर मार्केट में आपने पैसे लगाए थे, तो दोस्तों यश में आपका हुआ पेशा चौगुनी दुगना आपको तरक्की देने वाले हैं, यानी कि दोस्तों कई गुने में आपको वह पेशा मिलने वाले हैं, जिनसे आप सभी का आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगा और इतना धन आपको मिलने वाले हैं उस पैसे से जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उसे दोस्तों आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और ये आपके जीवन काल की सबसे महंगी और सबसे बड़ी संपत्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, यश में आपकी लॉटरी में आपकी जीत की संभावनाएं दिख रही है। आप कारोबार में जो भी कार्य करते हैं दोस्तों, उनमें भी आपको लाभ मिलने वाले हैं। संकेत ऐसे बन रहे हैं कि दोस्तों यश में आपको धन लाभ होना तय है। बस आप लोगों के साथ दोस्तों घुलमिल कर रहे हैं, लेकिन सावधान भी रहें, इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप कोई भी गलती करेंगे अपने हाथों से, दोस्तों आप शिव को बता दें कि आपका कार्य बिल्कुल ही असफल हो जाएगा। आप शिव को बता दें तो दोस्तों जो भी लोग पिछले कई समय से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोस्तों यश में आप सभी का वह प्रयास सफल होगा और किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आ सकता है। दोस्तों जो भी लोग बेरोजगार हैं अश्मीर पिछले कई समय से, उनको सफलता हाथ लग सकती है, उनको रोजगार मिलना निश्चित है। जी दोस्तों, परंतु आपको अपना कोशिश जारी रखनी है, अपनी मेहनत को बरकरार रखना है। दोस्तों ऐसे नहीं कि आप अपने कार्यों को छोड़ दें, स्त्री हो या फिर पुरुष, दोस्तों सभी जातकों को अश्मीर बहुत ही बड़ी अच्छी मनचाही नौकरी मिलने वाली है। जी दोस्तों, प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप कार्य करना चाहते थे या फिर सरकारी में कार्य करना चाहते थे, तो दोस्तों यश में आपके लिए नई संभावनाएं बनेंगी, जिनमें दोस्तों आपको कार्य मिलेगा। जी दोस्तों, बेरोजगारों को यश में रोजगार मिलने वाला है और इस राशि के सभी जातक हमेशा अपने जीवनकाल में कर्मशील इंसान हैं, कर्म को लेकर कभी भी झुकते नहीं हैं। इसलिए दोस्तों यश में आपको कर्मों का साथ मिलने वाले हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप शिव को बता दें कि दोस्तों जो भी लोगों का लंबे समय से पैसा अटका हुआ था, पिछले कई समय से आप जिसको पैसा उधार दिए थे, उनका पैसा आपको अभी तक नहीं मिला था, तो दोस्तों आप शिव को बता दें कि वह पैसा अब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि यश में, व्यापार में, कारोबार में अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखें कि दोस्तों सभी कागजात को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनका आगे पीछे देख लीजिएगा सभी कागजात, वरना दोस्तों यश में आप किसी भी पचड़ी में पड़ सकते हैं। समय आपके लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक भी रहेगा। जी हाँ दोस्तों,
साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपाय को करना चाहिए। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी आपको पैसा रुपया उधार नहीं देना है। दीजिए दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप अपने ही घर श्री माता लक्ष्मी को, धन की देवी माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। और यश में दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी आपके जीवनकाल में प्रसन्न है, आपके घर आने वाले हैं। अगर दोस्तों ऐसा कार्य आप करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि घर आई माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी और दोस्तों आपके जीवनकाल में बहुत सारी संकट समस्याएँ पेशे को लेकर आने वाली है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि पेशे अगर आप उधार दे रहे हैं तो दोस्तों सूर्यास्त के बाद आप किसी को भूल कर भी ना दें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यश में आपको कन्याओं को दोस्तों भोजन कराना चाहिए, कन्याओं को कुछ रुपयों का दान करना चाहिए। बच्चों को दोस्तों यश में आपको बिल्कुल ही प्रेम भाव से व्यवहार करना चाहिए। इसे दोस्तों घर आई माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न ही रहती है और जीवन काल में आपको हमेशा खुशी ही खुशी देती है। जी दोस्तों, इसलिए अब आपको अपने जीवन काल में स्त्री का आपको सम्मान करना शुरू कर देना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो भी इंसान अपने जीवन काल में अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, माता पिता को दुखी करता है, उसके जीवन काल में दोस्तों भाग्य कभी उनको साथ नहीं मिलता है। वह इंसान आगे चलकर बिल्कुल ही दर दर की ठोकरी खाता है, बीमार से पीड़ित हो जाता है, शारीरिक बहुत शारीरिक कष्ट रहने लगता है। ऐसे दोस्तों समस्या उनके जीवन काल में आती है क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने माता पिता को ही कष्ट दिया है, इसलिए दोस्तों उनके जो इष्ट देव हैं वही उनसे नाराज हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों भगवान भोलेनाथ। इसलिए दोस्तों यश में आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है, तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें कि अपने माता पिता के साथ उतना ही अच्छा व्यवहार, जैसे कि दोस्तों आपकी भावनाएं हैं। जी दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों माता पिता का आज्ञा जरूरी लें। माता पिता से दोस्तों कार्य करने से पहले जरूरी पूछिएगा। दोस्तों यश में आपके घर में तीन बड़े देवता आने वाले हैं और आए हुए हैं, तो दोस्तों यश में आपको भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों इनसे आपको लाभ मिलने वाला है। जी दोस्तों, अगर आप ईश्वर का पूजा पाठ करेंगे, भक्तिमय क्या दोस्तों थोड़ा सा भी स्मरण करेंगे, दोस्तों अपने जीवन काल में आप यश में आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको क्या करना है कि आपको यश में अपने घर में दोस्तों नहा धोकर ईश्वर का स्मरण करना है, दोस्तों भक्ति गाने आपको सुनना है। इनसे दोस्तों आपके जीवन काल में सकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे, बहुत सारे कार्य इनसे आपके सफल हो जाएंगे। दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों अहंकार की भावना आपको बिल्कुल भी नहीं लाने हैं, समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक और महत्वपूर्ण उपाय बता दें कि जब भी ईश्वर आप परेशान होते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारी पीड़ाएं देते हैं और दोस्तों उनका जिम्मेदार आप खुद होते हैं, इसलिए दोस्तों ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों आपको बेजुबान जानवरों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों गर्मी के मौसम है, पक्षियों के लिए आपको अपने छत पर पानी का और कुछ दाने का व्यवस्था करना चाहिए। दोस्तों अगर कोई भी पक्षी आपके घर पर आकर उस पानी को, उस दाने को चुगता है तो दोस्तों यकीन मानिए ईश्वर आपसे प्रसन्न रहते हैं और ईश्वर का छाया आपके घर में हमेशा रहता है। जी दोस्तों, और भूल कर भी आपको ईश्वर के बनाए चीज़ों को, जैसे जो भी कोई भी जानवर है, पशु है, पक्षी है, दोस्तों किसी को भी परेशान नहीं करना है, चाहे दोस्तों गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, कुछ भी हो, दोस्तों बेवजह किसी को भी धुतकारना नहीं है। अगर कोई गाय आपके द्वार पर आती है तो दोस्तों आप उन्हें कुछ ज़रूर ही खिला के भेजिएगा, दोस्तों यूं ही आप उन्हें मारकर द्वार से मत भेजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये भी माता लक्ष्मी का एक परम संकेत है। अगर आपके द्वार पर गाय आई है तो दोस्तों माता लक्ष्मी का दोस्तों चरण आपके द्वार पर खड़ी है, इस बात को आप समझ कर उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर ही खिलाइएगा, उसकी बात ही दोस्तों उन्हें विदा कीजिएगा। दोस्तों अगर यूं ही आप लाठी डंडे से उन्हें घर के बाहर, मतलब घर के द्वार से आप उन्हें भगा देते हैं तो दोस्तों इनसे आप अपने किस्मत को ही ठोकर मार रहे हैं। दोस्तों इस बात को आप अभी ही अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसलिए दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ ज़रूर ही उन्हें खिलाना है। साथ ही साथ दोस्तों अपने घर में बेवजह अपने बच्चों को आपको परेशान नहीं करना है, जो भी छोटे बच्चे हैं दोस्तों उन्हें बिल्कुल भी नहीं रुलाना है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में ही छोटे बच्चे को रोने देते हैं, दोस्तों ऐसा करना भी दोस्तों भगवान का अपमान होता है, भगवान के बनाए बच्चे का वास होता है भगवान में। जी हाँ दोस्तों, आप शिव को बता दें कि बच्चे में भगवान का वास होता है और दोस्तों ये बात प्राचीन काल से ही प्रचलित आ रही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों भगवान भी आपसे रुष्ट हो जाता है। दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे हैं तो दोस्तों आप बहुत ही बड़े भाग्यशाली इंसान हैं, भगवान ने आपको बच्चे दिए हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें और बच्चों को दोस्तों बिल्कुल ही आप खुश रखें, चाहे आपको थोड़ी सी कष्ट हो जाए लेकिन दोस्तों आपको बच्चे को रोने बिल्कुल भी नहीं देना है।
जिससे दोस्तों जून काल में बहुत सारी परेशानियाँ आती, इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों अगर आपके जून काल में कभी कभार आपने ऐसी गलती की है तो दोस्तों उनके लिए आपको अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना है और इसके लिए आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध और दोस्तों जल को अर्पित करना है। और दोस्तों इससे जो भी आपके जून काल में छोटे मोटे परेशानियाँ हैं जो कि दोस्तों अनजाने से हुई है, दोस्तों वे सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। और साथ ही साथ दोस्तों घर में अड़चने लगातार आ रही है, गृह क्लेश हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको जो भी किन्नर है उनको हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए, हरे रंग का चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि दोस्तों हरे रंग की चूड़ी का भी आप दान कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपके जून काल की जो भी लाभ के मौके हैं दोस्तों वो आपके सामने आएंगे और दोस्तों सारे उन चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी जिनमें दोस्तों आप प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जून काल में बहुत सारी ऐसी समस्या है जिनका समाधान आप कभी कभी नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। दोस्तों नहा धोकर आपको सुबह के समय 3 से 5 के बीच ईश्वर का स्मरण करना है। दोस्तों ये समय ईश्वर के साथ जुड़ने का समय होता है। दोस्तों यश में आप ईश्वर से साक्षात दर्शन भी पा सकते हैं। यश में आपको नहा धोकर और यश में ईश्वर का स्मरण करना है, आँख मूंद कर जो भी आपके इष्ट देव है उनसे पूछना है, आपकी जो भी गलती है उनसे क्षमा मांगना है। दोस्तों यकीन मानिए आपको बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाएं की प्राप्ति होगी और जीवन काल में देवी शक्तियां आपकी सहायता करेंगी। दोस्तों ये बहुत ही गुप्त और महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण राज है जो कि दोस्तों हर कोई नहीं बताता है, तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही कमेंट आता है कि शत्रु हमको परेशान करते हैं, तो दोस्तों आज के जीवन काल में शत्रु सभी लोगों को परेशान करते हैं। शत्रु से मुक्ति पाने के लिए दोस्तों आपको हनुमान जी के पास जाना होगा, हनुमान जी के शरणों में जाकर दोस्तों आपको गुहार लगानी है, संकट निदान से आपको दोस्तों प्रार्थना करना है। दोस्तों मंगलवार या फिर शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर में जाकर महाबली हनुमान जी को एक मीठा पान का भोग लगाना है, लड्डू, और दोस्तों आपको इलायची दाना अर्पित करना है। साथ ही साथ महाबली हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि हे संकट मोचन, कष्टों से रक्षा करने वाले हे महाबली हनुमान, अब आप हमारे जीवन काल की रक्षा कीजिए। हम अपने जीवन काल में बहुत ही परेशान हो चुके हैं, बहुत ही संकट समस्याओं से घिर चुके हैं, दुश्मन हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं दोस्तों आप उन्हें सब कुछ कह दीजिएगा और दोस्तों श्रद्धा के साथ हर उपाय को कीजिएगा। दोस्तों इनसे आपके जीवन काल में सारे उपायों का लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आप अपने मन में कोई भी छल या फिर कोई भी संदेह रखते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कोई भी उपाय आपका काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान साक्षात ईश्वर का दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन विश्वास ऐसा है कि दोस्तों सभी इंसान को ईश्वर के साथ जोड़ कर रखा है। तो दोस्तों विश्वास आपको हमेशा ईश्वर के ऊपर रखना है और सभी उपायों को करना है, आपको धन लाभ जरूर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का संपूर्ण वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जो भी बातें हम आपको बताए हैं दोस्तों वे बातें आपको सच लगा है या फिर झूठ लगा है दोस्तों बिल्कुल ही आप कमेंट कीजिएगा बेझिझक। इनसे हमें भी जानने को मिलती है कि हमारे बनाए वीडियो से लोगों की सहायता हो रही है, मदद हो रही है, इनसे दोस्तों हमारे भी कर्मों के घड़े भरेंगे। तो दोस्तों हम भी आपसे यही कहते हैं कि कमेंट कीजिएगा, शादी आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों जुड़ जाइए आप इस चैनल से, आपके चैनल आपकी राशि के लाखों लोग इस चैनल से जुड़े हैं, तो दोस्तों जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।